प्रकृति में जितना भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट का ये स्वभाव है कि उसको डिफॉर्म अगर हम लोग करने का प्रयास करें, किसी भी वस्तु को उसको कंप्रेस करना चाहे या इलोंगेट करना चाहे, तो अंदर में जो मॉलिक्यूल सब जिसका कि वो बना है, दे बिहेव लाइक स्प्रिंग्स। एक निश्चित दूरी पे मॉलिक्यूल सब इक्विलिब्रियम में रहता है, एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाता है, और इस दूरी से अगर उनको निकट लाया जाए तो दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। जब इस डिस्टेंस से इन लोग को दूर खींचते हैं तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन बोलते हैं इसको। इतना दूरी अगर रहेगा दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में तो दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाता, लेकिन अगर हम उनको डिफॉर्म करने का कोशिश करें, सब्सटेंस को हम, उस ऑब्जेक्ट को हम विकृत करने का प्रयास करें, कंप्रेस करने का या एलोंगेट करने का, जैसे हम जैसे ही इन दोनों को निकट लाने का प्रयास करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं। और जब उन दोनों को हम उस इक्विलिब्रियम सेपरेशन से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे ऐसे खींच के, तो तुरंत दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। यानी कि एक इनहेरेंट स्वभाव है प्रकृति में हर वस्तु का, अपना ओरिजिनल शेप बनाए रखने का एक इनहेरेंट स्वभाव है, उसी स्वभाव को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। यानी इलास्टिसिटी को अगर हम डिफाइन करें शब्दों में, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच वर्च्यू इट ट्राइज टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप। Whenever deformed, यानी हिंदी में सरल शब्दों में अगर उसको हम डिफॉर्म करने का प्रयास करते हैं, ये किसी भी वस्तु के लिए ये सत्य है। प्रकृति में मौजूद हर चीज एक बेड ऑफ स्प्रिंग्स की तरह है। एक एक धूल का कण भी, उसको भी अगर हम उसको स्क्वीज करने का कोशिश करें, वो भी बना है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, उसमें भी ये स्वभाव है। So, property of an object by virtue of which उसी गुण के कारण it tries to restore its original shape whenever deformed। इसी गुण को हम लोग elasticity बोलते हैं। हर चीज में मौजूद है, हमारे स्किन में भी है, हम इसको जैसे ही elongate करने का कोशिश कर रहे हैं, अंदर में तुरंत molecules सब एक दूसरे को attract करना शुरू कर देता है। तभी तो हमको ताकत लगाना पड़ता है इसको deform करने में, और जैसे ही छोड़ते हैं वो रिस्टोरिंग फोर्सेस के कारण वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अगर हम कंप्रेस करना चाहते हैं तब वो सब रिपेल करना शुरू करते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करें, दीज एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म बाय द फिजिसिस्ट हुक, रॉबर्ट हुक, HOOKE। एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, एक मेटल का हम रॉड लिए हैं, उसका एक लेंथ है एल, नेचुरल लेंथ, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ऐसे काट दें अगर हम परपेंडिकुलर टू द लेंथ तो उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, और उसको दोनों तरफ से हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के और एलोंगेट कर रहे हैं इस चित्र में। तो अब ये रॉड का लेंथ बदल के एल से एल प्लस डेल्टा एल हो गया है। अब हम इसको नहीं एलोंगेट कर पा रहे हैं, यानी डेल्टा एल अमाउंट से एलोंगेट करके पकड़े रहना है हमको इक्विलिब्रियम में, तो हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। जैसे ही हम इस फोर्स को रिलीज करेंगे, ये तुरंत वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। आप एक स्प्रिंग इमेजिन कीजिएगा तो बहुत आसान होगा बात को समझना, क्योंकि ये जो गुण पढ़ रहे हैं हम लोग किसी भी वस्तु का इलास्टिसिटी, ये बेसिकली उसका स्प्रिंगी नेचर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। असल में आप इसमें कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, तो उसके इस पार और इस पार जो मॉलिक्यूल्स का लेयर है वो दोनों इस वक्त एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एक काट के और इस टुकड़े का और इस टुकड़े का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस टुकड़े का और इस टुकड़े का अलग अलग डायग्राम बनाए, तो हम इस तरफ एक फोर्स एफ लगा के खींच रहे हैं और इस पार का मॉलिक्यूल्स इस पार के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा रहा होगा अट्रैक्टिव नेचर का, और इस पार का मॉलिक्यूल्स इस पार के मॉलिक्यूल्स को फोर्स लगा रहा, और एक फोर्स इधर से लग रहा है। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है ये पोर्शन,
और ये पोर्शन भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम तुरंत समझ सकते हैं कि यहां पे फोर्स कितना होगा, जिसको हम टेंशन कह सकते हैं, तनाव में कहते हैं कि है। जब खींचने का कोशिश करें तो हम कहते हैं कि डंडा तनाव में है, और जब हम दोनों तरफ से इसको कंप्रेस करें तो हम कहते हैं द रॉड इज इन अ स्टेट ऑफ कंप्रेशन। तो अभी रॉड टेंस स्टेट में है और यही है टेंशन इन द रॉड, जो हमारे इस फोर्स के कारण डेवलप किया है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि यहां पे टेंशन कितना है, इस क्रॉस सेक्शन पे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप कर गया है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। यानी हम श्योर हैं कि अगर हम एफ फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं तो अंदर में हर क्रॉस सेक्शन पे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर चुका है एग्जैक्टली इक्वल टू इतना। ये जो फोर्स क्रॉस सेक्शन पे डेवलप किया है, यहां एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे मॉलिक्यूल सब ऐसे फैला हुआ है इस पार और उस पार, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये फोर्स किसी एक पॉइंट पे नहीं लगता है, हर मॉलिक्यूल को उधर का मॉलिक्यूल खींच रहा है थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा के, डीएफ 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 डीएफ, पूरे सर्फेस एरिया पे वो फोर्स स्प्रेड है। तो रॉबर्ट हुक एक क्वांटिटी डिफाइन किए, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप कर रहा है रॉड के अंदर में, ये फोर्स वो फोर्स है ये नहीं, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ये अलग बात है कि दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, लेकिन डेफिनेशन में ये जो फोर्स लिखे हैं रॉबर्ट हुक, दिस इज द फोर्स दैट डेवलप्स इनसाइड द मटेरियल ड्यू टू द डिफॉर्मेशन। ये अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है या रिपल्सिव, तो दैट फोर्स डिवाइडेड बाय जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे वो फोर्स स्प्रेड है, इस क्वांटिटी को वो डिफाइन किए हुक एज स्ट्रेस। ये हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या किया जाता है, एक इस मेटल के तार को, पतला सा तार है उसका हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं, बड़ा ही पतला तार अगर है तो स्केल से नहीं मेजर होता है, एक डिवाइस है कॉल्ड वर्नियर कैलिपर बोलते हैं, उसी से हम लोग, वो इस तरह का शेप का होता है वर्नियर कैलिपर ऐसा, यहां पे एक लंबा सा एक मेटल स्केल बना होता है उस पर मार्किंग होता है ऐसे ऐसे, और एक पोर्शन होता है जो उसके ऊपर घुसा हुआ होता है, उसमें से स्लाइड कर सकता है ये, और इधर दो जॉज बोलते हैं इसको, जॉ माने जबड़ा इन हिंदी में, जिसमें कि हम किसी चीज को दाबते हैं किसी चीज को पकड़ के, तो जॉज बोलते हैं, और इसी दोनों के बीच में हम जिस वस्तु का भी डायमेंशन नापना चाहते हैं इसको डाल देते हैं और ये स्लाइड करके हम उसमें टच कराते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे स्केल्स होता है जो हम मेजर कर सकते हैं। जब ये दोनों जॉज को हम एग्जैक्टली टच करा देते हैं इस तरह से, तब स्केल का रीडिंग जीरो दिखता है, माने जीरो डायमेंशन, और जब इसके अंदर कोई चीज को हम घुसा करके स्लाइडर को स्लाइड करते हैं तब जो रीडिंग दिखता है स्केल पे यहाँ पे, उसको हम देख के समझ जाते हैं कि कितना डायमेंशन है इसका। तो हम इस तार को इसी वर्नियर कैलिपर से पकड़ के बीच में तार को ऐसे फंसा के और हम लोग डायमीटर उसका मेजर करते हैं। उस वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वो बहुत ही स्मॉल डायमेंशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, 1/10 of a millimeter का भी अगर मेजरमेंट करना हो, 1 millimeter बहुत कम होता है, 1 millimeter ज्यादा बना दिए, 1 centimeter का 10वां हिस्सा, 1 millimeter का 10वां हिस्सा, इतना पतला पतला चीज अगर हमको मेजर करना हो तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। अलग से उसको पढ़ना पड़ेगा कैसे वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेजर सच स्मॉल डायमेंशंस। तो हम लोग इस तार का डायमीटर मेजर कर सकते हैं चारों तरफ से घुमा घुमा के, एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, एक बार इधर से, 3-4 तरफ से मेजर करके और उसका एवरेज ले लेते हैं। और यहां एक वजन लटका देते हैं, सब वजन W, लटकाने के पहले हम लोग इसका लंबाई मेजर करते हैं, और लटकाने के बाद हाथ से पकड़ के वजन को धीरे 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 छोड़ते हैं, मतलब ऐसे झटका से नहीं छोड़ते, धीरे 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 छोड़ते हैं, मैंने धीरे धीरे वो स्प्रिंग एलोंगेट करता है
और इवेंचुअली एक सर्टन इक्विलिब्रियम, ये उसका अगर नेचुरल लेंथ था पहले, वजन लटकाने के पहले, दिस वॉज इट्स ओरिजिनल लेंथ. अब थोड़ा सा एलोंगेट कर चुका है बाय अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, एलोंगेट करता है, इतना स्मॉल अमाउंट होता है ये कि वो नहीं दिखता है नेकेड आई को. अगेन वी नीड वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द चेंज इन द लेंथ. हुक इस इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किए, अभी इस समय वो रॉड के अंदर में स्ट्रेस डेवलप कर चुका होगा, रॉड इस समय स्ट्रेस्ड अवस्था में है, ऐसा वो शब्द इस्तेमाल किए थे. कितना स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को वो क्वांटिफाई कर रहे हैं कि अंदर में आप कोई भी एक क्रॉस सेक्शन काटिए, क्रॉस सेक्शन के दोनों पार जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप किया है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया को वो डिफाइन कर रहे हैं एज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इनसाइड द वायर. जो कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में ये बॉडी है तो हम श्योर है कि इस समय अंदर में हर जगह क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट है. अगर हम इस तार के मास को निग्लेक्ट कर दें तो यहां काट करके अगर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस स्थान पे जो फोर्स होगा, जो ऊपर वाला जो तार का मॉलिक्यूल सब के कारण नीचे वाले पे लग रहा होगा, नीचे वाला ऊपर वाले पे लगाएगा, फिर इस पे एक छत का मॉलिक्यूल्स जिससे ये फंसा हुआ है, अटैच्ड है, वो मॉलिक्यूल्स लगाएगा. ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम है. प्लस कुछ अगर इसके वजन को भी हम कंसीडर कर दें, इतने पोर्शन को इसके भी वजन को कंसीडर कर दें, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि यहाँ एफ का वैल्यू क्या है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, हाउ मच इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो हम बता सकते हैं. अगर हम इन तार के मासेस को नेगलिजिबल माने इन कंपेरिजन टू दिस वेट, तो हर क्रॉस सेक्शन पे द टेंशन इन द वायर इज W. एंड द स्ट्रेस इन द वायर निकालना हो तो अब W डिवाइडेड बाय जो आप डायमीटर इसका मेजर किए थे पाई टाइम्स d स्क्वायर बाय 4. तो ही डिफाइंस अ क्वांटिटी कॉल्ड स्ट्रेस एंड ही डिफाइंस अ क्वांटिटी कॉल्ड स्ट्रेन. उसके लंबाई में जितना बदलाव हुआ है चेंज डेल्टा L डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. पहले से लंबाई अगर मान लीजिए आप एक 20 सेंटीमीटर लंबा तार लेकर के एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे और वजन लटकाने के बाद उसके लंबाई में जो चेंज हुआ वो कुछ आधा मिलीमीटर का चेंज हुआ, 0.5 मिलीमीटर का चेंज हुआ, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल को वो डिफाइन कर रहे हैं एज स्ट्रेन. और एक्सपेरिमेंट में क्या किए होंगे, इस वजन को फिर हटा दिए होंगे, एक इससे भारी वजन लटकाएंगे, अब फिर हम उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे, अब फिर हम इलोंगेशन मेजर करेंगे. तो ज्यादा वजन लटकाएंगे तो ज्यादा इलोंगेशन होता है, और ज्यादा लटकाएंगे तो और ज्यादा. तो डेटा कलेक्ट किए, टेबल बनाए, इधर स्ट्रेस का वैल्यूज और इधर स्ट्रेन का वैल्यूज, हमें हर बार जितना वजन लटकाएंगे डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां स्ट्रेस होगा एक नंबर, और डेल्टा एल मेजर करके एल से डिवाइड कर देंगे, एक डायमेंशनलेस नंबर मिलीमीटर कट जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दे मिलीमीटर में तो 200, 5 बाई 2000 यानी 1 बाई 400, इतना कहेंगे कि रॉड में स्ट्रेन उत्पन्न हुआ है. द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल को बोलते हैं चेंज इन लेंथ, और डेल्टा एल बटे एल को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, उसी को वो स्ट्रेन डिफाइन कर रहे हैं. तो इतना स्ट्रेन हुआ एक नंबर, और स्ट्रेस भी हम मेजर करके यहां पे डेटा कलेक्ट, स्ट्रेस 1 स्ट्रेन 1, स्ट्रेस 2 स्ट्रेन 2, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन, और इस डेटा को वो एक ग्राफ के रूप में प्लॉट किए. इधर स्ट्रेन के वैल्यूज को प्लॉट किए, स्मॉल नंबर्स, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल नंबर, इसको हम लोग 1/4% बोल सकते हैं. 1/100 को 1/100 के लिए सिंबल है, पर सेंट बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी 0.25% का स्ट्रेन. तो यहां स्ट्रेन को हम लोग परसेंट में मेजर कर रहे हैं, स्ट्रेस को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
यहां पे नंबर को नंबर्स मार्क करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 वगैरह वगैरह परसेंट का स्ट्रेन, और वर्टिकल लाइंस बनाइएगा तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन, और एक डॉट बनाएंगे स्ट्रेस, इतना स्ट्रेन के लिए जब आपकी बॉडी को डिफॉर्म किया गया इतने मात्रा से, इतने अमाउंट से स्ट्रेन किया गया 0.2% से, तो अंदर में इतना स्ट्रेस उत्पन्न हो गया तार के अंदर में, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस। तो जो ग्राफ प्लॉट हुआ वो ग्राफ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मे बी 0.2% स्ट्रेन तक हम लोग डिफॉर्म कर करके देखते गए। स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट हल्का वजन से, थोड़ा सा स्ट्रेन होता है मे बी 0.01% का स्ट्रेन, फिर 0.02% का स्ट्रेन बढ़ाते जाते हैं, हर बार रिमूव करते हैं वजन को, अब फिर से उसको हम रॉड को डिफॉर्म करते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट तक ये जो ग्राफ बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन जो ग्राफ है वो डॉट्स को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जीरो स्ट्रेन जीरो स्ट्रेस, यानी अगर रॉड डिफॉर्म ना हो तो स्ट्रेस भी उसमें नहीं उत्पन्न होगा। पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन के बाद अगर उससे ज्यादा डिफॉर्म कर दिए, वो हर वस्तु के लिए अलग होता है वो सीमा, उसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं, जिस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक ऐसे अपने शब्दों में बोले स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन एक सीमा तक ये प्रोपोर्शनल है, उस सीमा को वो नाम दिए प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, हुक्स लॉ इज ओबेड, इसी सीमा तक ये बात सत्य है, यानी उससे अधिक डिफॉर्म कर दीजिएगा, मान लीजिए ये 0.2% है ये सीमा कोई वस्तु के लिए, हर वस्तु के लिए अलग है वो लिमिट, तो उस लिमिट तक ये बात सत्य है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लेकिन उससे ज्यादा जहां डिफॉर्म किए अब वो रिलेशन खत्म हो जाता है, अब वो शेप भी आर्बिट्ररी शेप है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात पक्का है कि आप अगर उससे ज्यादा डिफॉर्म करते हैं लेकिन रिलीज कर देते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में चला आता है, यद्यपि कि मैथमेटिकली कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसके बियॉन्ड, लेकिन एक बात पक्का होता है कि अगर हम उससे भी बियॉन्ड अगर डिफॉर्म कर दें और छोड़ दें तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में चला आता है, लेकिन ये भी बात एक पॉइंट के बाद फेल कर जाता है, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बिकम्स इरिवर्सिबल, यानी इस मे बी वो 0.25% हो, अब उतना परसेंट से भी ज्यादा अगर आप डिफॉर्म कर दिए तब आप जब उसको डिफॉर्म करिएगा रिलीज कीजिएगा तो अब वापस अपने ओरिजिनल शेप में भी नहीं आ पाता है। अब कहते हैं कि बॉडी का जो बिहेवियर है वो प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं, अब उसको इलास्टिक नहीं बोलते हैं, यानी यहां तक बॉडी के बिहेवियर को बोलते हैं इलास्टिक, जहां तक डिफॉर्म करके छोड़ने पर अपने ओरिजिनल आकार में आ जाए उस सीमा को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं, और उसके बियॉन्ड जो बिहेवियर है उस वस्तु का उसका एक नाम ही रख दिया है प्लास्टिक, दिस इज इलास्टिक एंड दैट इज प्लास्टिक, पर हमको मतलब इतने ही से है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से, उसके बियॉन्ड हम कोई मैथमेटिक्स ही नहीं है जो ओबे करता हो वो वस्तु। सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है जहां तक के लिए ये बात वैलिड है। अब वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग है, स्टील का के लिए स्टील का बना हुआ तार हो उसके लिए वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग है, कॉपर का बना हुआ तार हो तो उसके लिए अलग है, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन ऑनर ऑफ अनदर फेसिस यंग। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग जिसको वाई सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, स्ट्रेस इक्वल्स वाई टाइम्स स्ट्रेन, ये बड़ा महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी है। हम अगर एक स्टील का तार लें, एक एक्सपेरिमेंट करें,
एक सर्टेन लेंथ L1 का तार ले और सर्टेन क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ये स्टील का बना हुआ है। आप स्टील का ही एक तार लीजिए ऑफ अ डिफरेंट लेंथ L2, क्रॉस सेक्शन एरिया A2, यही एक्सपेरिमेंट को दोहराइए जो हुक किए हैं, यानी इसको छत से लटकाइए, उसमें वजन लटकाइए, डिफरेंट डिफरेंट वेट्स लटका के, और हर बार वेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस, और जितना से एलोंगेट करता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ स्ट्रेन का ग्राफ बनाइए, एक्चुअली में डॉट्स बनाइए, हर डॉट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, स्ट्रेन कॉमा स्ट्रेस, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, हर डॉट को बना के ज्वाइन कीजिए। आप भी कीजिए उस तार के साथ एक्सपेरिमेंट, हम भी करें इस तार के साथ एक्सपेरिमेंट। अगर हम दोनों सेम मटेरियल का तार लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग बात है कि हम दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम स्ट्रेट लाइन आता है। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वही तो है जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, इधर वाई इधर एक्स। अगर ओरिजिन से पास करता हुआ कोई लाइन हो उसका इक्वेशन होता है वाई बराबर mx, यानी कहते हैं कि वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। इस पे कोई भी पॉइंट लीजिए x1, y1, x2, y2, 0, 0, तो आप इसका स्लोप निकालने के लिए बोले, किसी भी लाइन का स्लोप ऐसे ही डिफाइन है, कोऑर्डिनेट्स अगर x1, y1 हो और x2, y2, स्लोप हम लोग tan थीटा को बोलते हैं, जो x एक्सिस से इंक्लिनेशन हो जो एंगल उसको थीटा कहे, उसके tan थीटा को, यानी डेल्टा y बाई डेल्टा x को स्लोप कहते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो किसी भी दो पॉइंट का तो स्लोप निकाल सकते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है उसमें कोई भी पॉइंट लीजिए x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो उसका स्लोप निकालने के लिए आप y1 - 0 डिवाइडेड बाई x1 - 0 कर सकते हैं, या y2 - 0 डिवाइडेड बाई x2 - 0, या y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, सब सेम है, आप स्लोप निकाल रहे हैं। एक्चुअली आप ये इस लाइन का स्लोप मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। तो अगर हम और आप दोनों को ही सेम मटेरियल के तार के साथ एक्सपेरिमेंट करें, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाएं, तो हम दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आता है, सेम स्ट्रेट लाइन विद सेम स्लोप। क्या सीखे हम कि जिस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो किसी तार का नहीं होता है, ये क्वांटिटी वो होता है मटेरियल का। अब स्टील का कोई वायर लेकर के हम लोग चाहे कोई भी नेचुरल लेंथ एंड नेचुरल क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ एक्सपेरिमेंट करें, सेम रिजल्ट आएगा। यानी एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, इधर मटेरियल, इधर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का वैल्यूज, स्टील, अब वाई फॉर स्टील कोई संख्या होगा, दीज आर लार्ज नंबर्स, क्या यूनिट होगा वाई का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस का यूनिट, और ये डायमेंशनलेस है, सम लार्ज नंबर में भी 10 to the power, आई डू नॉट रिमेंबर द नंबर्स, 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की ऑर्डर का, 2.3 × something, कॉपर 1.7 × 10 to the power 11, जिसका वाई अधिक होगा तुलना में, अगर कॉपर के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तब भी ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऑफ अ लेसर स्लोप, यानी उसका वाई कॉपर इज लेस देन वाई स्टील, और जिस मटेरियल का वाई ज्यादा होगा हम उसको कहते हैं कि वो ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली उसको डिफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल है, जिसका वाई ज्यादा होगा, देखिए इस डंडे को अगर हम डिफॉर्म करना चाहते हैं बाई सम अमाउंट तो कितना स्ट्रेस अंदर में क्रिएट हो जाएगा, अगर इसको हम डेल्टा एल बाई एल मात्रा से डिफॉर्म कर दें, अंदर में हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्रिएट हो गया, हम उसको पकड़ के ऐसे एलोंगेट किए, तो अंदर में मॉलिक्यूल्स के बीच में अब अट्रैक्शन शुरू हो चुका है, तो अंदर में कितना स्ट्रेस क्रिएट हुआ है हम बता सकते हैं। अगर हमको ये जिस मटेरियल का तार हो, स्टील का हो, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, अगर वाई पता हो ऑफ द मटेरियल नॉट ऑफ द वायर, अल्मोनियम का ही चाहे 10 तार बना लीजिए सबका वाई सेम होगा, इसीलिए वाई ऑफ द मटेरियल बोला जाता है। तो जिस मटेरियल का बना है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता हो
तो हम तुरंत बता देंगे अंदर में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है। खाली हमको स्ट्रेन को गुना करना है वाई से। जैसे कोई मटेरियल का वाई अगर है 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई मटेरियल स्टील का, ऐसे ही एक नंबर लिखे, आई डू नॉट रिमेंबर दिस नंबर, बट दीज नंबर्स आर लार्ज। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई एक स्टील का तार ले ले, कोई तार ले ले, सर्टन लेंथ, सर्टन क्रॉस सेक्शन एरिया, आपसे पूछे कि इसको हम 0.01% से डिफॉर्म करना चाहते हैं, इतना स्ट्रेन चाहते हैं हम स्ट्रेन्ड कर देना वायर को, तो बताइए कि कितना अंदर में स्ट्रेस डेवलप करेगा तार के, अगर हम इतना मात्रा से डिफॉर्म करें तो। आप तुरंत 10^11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.01% मतलब इंटू 1/100 लिखा है, बटे 100 लिखा है, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस अंदर में डेवलप करेगा। ये 1/100 है खुद, ये 1/10^4 10^7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस डेवलप करेगा। कितना टेंशन डेवलप करेगा तार के अंदर ये पूछिएगा, तो हमको एक डेटा और देना होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि ये स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर अंदर में फोर्स चाहिए तो हमको स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करना होगा एरिया से, तब न्यूटन में आंसर आ जाएगा, इन न्यूटन। तो जिस मटेरियल का वाई ज्यादा होगा उस मटेरियल में स्ट्रेस ज्यादा उत्पन्न होगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। कॉपर का वाई अगर कम है स्टील से, तो कॉपर के तार को अगर आप 0.01% से डिफॉर्म करते हैं और स्टील के भी तार को 0.01% से, तो स्टील में ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा अंदर में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा वो स्टील के केस में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कॉपर, यानी स्टील को डिफॉर्म करना ज्यादा कठिन होगा। तो जितना ज्यादा होगा वाई का वैल्यू, उतना ज्यादा उस मटेरियल के तार को डिफॉर्म करना कठिन होगा। हम ऐसा कहते हैं कि दैट मटेरियल इज मोर इलास्टिक, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वाई, ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल, ऐसा बोलते हैं। यानी कि मोर डिफिकल्ट टू डिफॉर्म, जिस मटेरियल का वाई ज्यादा होगा उसको डिफॉर्म करने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। यहां क्योंकि हर वस्तु को हम कहे हैं कि एक स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है, तो अभी जो रिलेशन हम लोग लाए हैं वाई को डिफाइन किए हैं एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हम इसी रिलेशन को अगर इस तरह से लिखें, एफ इक्वल्स डेल्टा एल बाई एल से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, जब डेल्टा एल बाई एल से मल्टीप्लाई करते हैं वाई को, तो आपको मिलता है स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स वाई टाइम्स स्ट्रेन। और ए से भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको इस तरह से लिखें, तो जरा देखिए इस रिजल्ट को, हम कंपैरिजन कर रहे हैं विथ अ स्प्रिंग, कंपैरिजन विथ अ स्प्रिंग। हम लोग पढ़े हैं स्प्रिंग्स के बारे में कि अगर एक स्प्रिंग को एफ फोर्स लगा के खींचे, दोनों तरफ से लगता है, आप इधर दीवार से अगर फंसा दिए तो दीवार का मॉलिक्यूल्स लगा रहा है, तो अगर आप एफ फोर्स लगा के उसको एलोंगेट कर पाते हैं बाई एन अमाउंट एक्स, माने नेचुरल लेंथ अगर उसका एल था और आप उसको एल प्लस एक्स लेंथ एलोंगेट करके पकड़ के रखने के लिए आपको एफ फोर्स लगाने का जरूरत पड़ता है, अगर मतलब है कि अंदर में मॉलिक्यूल सब के बीच में फोर्स डेवलप कर चुका होगा एग्जैक्टली इक्वल टू एफ, यानी स्प्रिंग के अंदर में जो टेंशन होगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू एफ। एक्सपेरिमेंट बताता है कि द टेंशन दैट डेवलप्स इनसाइड द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, इस रेशियो को हम लोग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अब जरा देखिए तो कंपेयर करके, एफ इज इक्वल टू के एक्स फॉर्मूला से अगर आप कंपेयर करें, तो ये उस तार का एक तार था जो एल लेंथ का था,
एक क्रॉस सेक्शन एरिया था और जिस मटेरियल का बना था उस मटेरियल का इलास्टिसिटी वाई है, तो ये बिहेव करेगा लाइक अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना ए वाई बाई एल, कंपैरिजन करके हम लोग निकाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक ऐसा तार का क्रॉस सेक्शन एरिया हम दे दे ए, नेचुरल लेंथ दे दे एल और मटेरियल का इलास्टिसिटी दे दे वाई, तो इंप्लाइज आप तुरंत निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इतना स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। इसको गौर से देखिए, जितना ज्यादा ये तार मोटा होगा उतना ज्यादा कड़ा स्प्रिंग, यानी उसको डिफॉर्म करना कठिन होगा। के का वैल्यू लार्ज, जितना अधिक होता है के का वैल्यू, 200 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट और 400 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट वाला स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को कहते हैं ज्यादा वो स्टिफ है, कड़ा, इसको डिफॉर्म करना ज्यादा कठिन है इसके तुलना में। तो के का वैल्यू जितना लार्ज हो उतना हम कहते हैं कि स्टिफ है स्प्रिंग। तो जितना ज्यादा इसका मोटा होगा तार उतना ज्यादा कड़ा स्प्रिंग की तरह व्यवहार करेगा। दिस वी कैन फील ऑल्सो, जितना ज्यादा उस मटेरियल का इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप करता है डिफॉर्मेशन के कारण, उसी का ये मेजर है। जितना ज्यादा ये वाई होगा उस मटेरियल में, समझिए उतना अधिक रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप करेगा। तो जितना ज्यादा वाई का वैल्यू होगा उतना कड़ा स्प्रिंग होगा और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना छोटा होगा उतना कड़ा स्प्रिंग होगा और जितना लंबा होगा उतना ढीला ढाला होगा। ये स्प्रिंग्स में भी हम लोग पढ़े थे कि एक स्प्रिंग है ऑफ नेचुरल लेंथ एल एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के, अगर इस स्प्रिंग का हम एक टुकड़ा काट करके आपको दे दें, एल बाई थ्री लेंथ का एक टुकड़ा और टू एल बाई थ्री लेंथ का दूसरा टुकड़ा, अब इस टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? अब वो कड़ा स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट थ्री के हो जाता है, के वन इंटू एल वन इक्वल टू के टू इंटू एल टू इक्वल टू डॉट 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 के इंटू एल। यही हम लोग पढ़े थे स्प्रिंग्स के बारे में। तो जितना छोटा टुकड़ा लीजिएगा उतना कड़ा और जितना लंबा टुकड़ा लीजिएगा उतना ढीला ढाला। तो इसीलिए स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है टू द लेंथ ऑफ द रॉड। एक स्प्रिंग को जब हम डिफॉर्म करते हैं, फोर्स लगा के खींचते हैं, वेरिएबल फोर्स हम लगा रहे हैं, हम सिर्फ स्प्रिंग जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स अगर लगाएं हर वक्त, और धीरे धीरे इसको खींचते खींचते हम एक्स अमाउंट से एलोंगेट करें, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जब हम स्प्रिंग को लमड़ाना शुरू करते हैं तो हम जीरो फोर्स लगाते हैं क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी जीरो है, और जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ता जाएगा, सपोज कीजिए कि अभी हम एस अमाउंट से एलोंगेट कर चुके हैं, तो स्प्रिंग फोर्स इस समय के एस होगा, हमको भी के एस लगाना है। हम निकालना चाहते हैं हाउ मच वर्क विल आई नीड टू डू अगेंस्ट दिस स्प्रिंग फोर्स, माने हम सिर्फ उतना ही लगाएंगे जितना की आवश्यकता हो, और इसको खींचते खींचते इस पॉइंट को हम एस इक्वल टू जीरो पोजिशन से एस इक्वल टू एक्स पोजिशन तक ले जा रहे हैं। तो कितना कुल वर्क करेंगे, तो हम सब डिवाइड कर दिए पूरे पाथ को डीएस डीएस डिस्प्लेसमेंट्स में, फोर्स इनटू डीएस, ये हुआ डीडब्ल्यू, यानी इस समय से हम अगर थोड़ा सा पुल करेंगे अमाउंट डीएस तो इतना वर्क करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क डन जीरो से एक्स तक हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाता है। अगर हम इस रॉड को डिफॉर्म करते हैं, इस अवस्था से डिफॉर्म करके हम इसको इस अवस्था में ले जाते हैं एल प्लस डेल्टा एल, तो कितना हम वर्क किए हैं खींच के, उसी तरह से हम लोग वर्क डन अगेंस्ट दी इलास्टिक फोर्सेस। जैसे ही आप इसको खींचना शुरू कीजिएगा मॉलिक्यूल सब विपरीत दिशा में फोर्स लगाना शुरू करें। अब इसमें एनर्जी है जमा, हम जितना मेहनत किए इसमें जमा है, सब मॉलिक्यूल सब बेचैन है निकट आने के लिए, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर कंपेयर करके स्प्रिंग से, यानी हाफ ए वाई बाई एल टाइम्स डेल्टा एल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हम जरा एक दूसरे शक्ल में लिख रहे हैं, ये एनर्जी
स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड वायर के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। इसको हम हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए एल, हम इस फॉर्मूला को इस रूप में लिख रहे हैं। जरा चेक कीजिए, यहां नीचे में एक एल था, एक एल से मल्टीप्लाई कर दें और एक एल से बगल में, ताकि डेल्टा एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर हो जाए, क्योंकि डेल्टा एल बाई एल दो बार अपीयर कर रहा है और ए इंटू एल को हम अलग कर दिए। अब इस फॉर्मूला को देखिए किस रूप में यह हो गया। यह है हाफ, यह है स्ट्रेन, एक डंडा है जो डेल्टा एल अमाउंट से एलोंगेटेड स्टेट में है, यानी वो स्ट्रेन है, कितना स्ट्रेन है डेल्टा एल पर। और ये क्या है, स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये अंदर में डंडा के जो स्ट्रेस डेवलप कर चुका होगा वो है। और ये क्या चीज है, वॉल्यूम, पूरे तार का वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू एल। अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें इस पार, तो हम इसको एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। दिस इज एनर्जी, ये जो फॉर्मूला है इट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ये वाला। लेकिन वो एनर्जी यहां से वहां तक पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, हर जगह मॉलिक्यूल सब डिफॉर्म स्टेट में है, सिकुड़ना चाह रहा है, यानी आप इसको छोटे 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 कई स्प्रिंग्स की तरह इमेजिन करें, तो पूरे इलाका में एनर्जी स्प्रेड है। अगर हम इसका छोटा सा एक हिस्सा काट के आपको अभी दे दें तो भी हम एनर्जी आपको दे रहे हैं, एज लॉन्ग एज द सब ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म्ड इट पोजेसेस एनर्जी, यानी आप उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए वो काम कर सकता है वो वस्तु। तो कितना एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डिफॉर्म्ड रॉड के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये जो डंडा को जब हम डिफॉर्म करते हैं, इसका लंबाई जब बढ़ता है तो साथ में इसका जो डायमीटर है, अगर ये डी डायमीटर है इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और एल लेंथ, डंडे का लंबाई एल प्लस डेल्टा एल हो गया और डायमीटर में जो चेंज हुआ डी प्लस डेल्टा डी, तो हमारा एक्सपेरिमेंट्स बताता है कि जब आप एलोंगेट करते हैं, यानी डेल्टा एल एक पॉजिटिव नंबर, तो उसका डायमीटर पचक जाता है, डेल्टा डी नेगेटिव नंबर हो जाता है। और जब आप कंप्रेस करते हैं किसी भी वस्तु को, यानी डेल्टा एल नेगेटिव, तो वो क्रॉस सेक्शन उसका फैल जाता है डेल्टा डी पॉजिटिव। बहुत ही स्मॉल चेंज होता है डायमीटर में, हम लोग को बिल्कुल मतलब ही नहीं है किसी भी सवाल में चेंजेस इन डायमीटर को, हम लोग हमेशा मान के चल रहे हैं। अब तक देखिए हर जगह लंबाई दिखा दी है एल प्लस डेल्टा एल, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही ले लेते हैं, बट यू शुड नो कि देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑल्सो। इस डायमेंशन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन कहें, अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ को हम लोग लैटरल कहते हैं। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा तो लैटरल डायरेक्शन में भी एक स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, डेल्टा एल बाई एल, और इसको डेल्टा डी बाई डी से डिफाइन करें। और यह हमेशा अपोजिट साइंस का होता है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव होगा। एक क्वांटिटी है जो सिलेबस में मेंशन तो नहीं करता है पढ़ने के लिए, लेकिन बस एक रेशियो है, उसको पॉइसन्स रेशियो कहते हैं, पी ओ आई डबल एस ओ एन एस, पॉइसन्स रेशियो बोलते हैं। इसी रेशियो को लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल,
मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, इस रेशियो को पॉइसन रेशियो बोलते हैं, और न्यू एन यू इस सिंबल का नाम है, इस तरह का न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं कि माइनस साइन से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये दोनों हमेशा अपोजिट साइंस का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। मैंने किसी भी तार का अगर हम आपको पॉइसन रेशियो दे दिए, कुछ मान लीजिए दे दिए 0.1, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इस जानकारी से, आप लैटरल स्ट्रेन यानी डेल्टा डी बाई डी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगा -0.1 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग के पास जो ये फॉर्मूला है y बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, अगर कभी हम कह दें कि एक डंडे को हम इतना फोर्स से खींच रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दें, आप स्ट्रेस जान गए तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रेन कितना उत्पन्न होगा, दोनों में से कोई एक बता देंगे तो दूसरा आप कैलकुलेट कर लेंगे, स्ट्रेस बता देंगे तो स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे, स्ट्रेन बता देंगे तो स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप यहां जो स्ट्रेन निकालते हैं वो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है जो आप निकालते हैं, ये जो डेफिनेशन था डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन और एफ बाई ए स्ट्रेस, तो ये एक्चुअली इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं, यही करेक्ट नाम है इसका, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, जिसको कि हम सिर्फ स्ट्रेस लिख दिए थे, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, जो डिफॉर्मेशन होगा उसका मेजर है ये फ्रैक्शनल चेंज, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ जो डायमेंशन में चेंज होगा उसको लैटरल बोलते हैं। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जानते हैं अगर, तो लैटरल स्ट्रेन बता दीजिएगा, वो कुछ 1/10 ऑफ द, वो बड़ा छोटा होता है, तो यदि भी ये सिलेबस में मेंशन नहीं है बट एक तो बस इतना सुनने में क्या दिक्कत है, इतना तो याद रह ही सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में भी ये मान लीजिए इस शेप का ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसके इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ, ये लेंथ को हम ए कह रहे हैं, ये डायमेंशन को बी और इस हाइट को सी कह रहे हैं, तो इस समय जब आप किसी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा के इसको डिफॉर्म करते हैं तो ए का लंबाई जो बदल जाएगा, बी और सी के डायमेंशन में हम मान रहे हैं कि नेग्लिजिबल चेंज होगा, अगर ऐसा ऐसी खींचिएगा तो ए के डायमेंशन में जो चेंज होगा उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे डेल्टा ए बाई ए, और फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया को हम स्ट्रेस बोलेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलोंग द लेंथ। लेकिन एक और तरीका से हम इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं, हम सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगाने के बजाय अगर हम इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाएं, ऐसे ऊपर वाले को पकड़ के हाथ से और नीचे वाले को ऐसे विपरीत दिशा में ऐसे, अब हम इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर नहीं, अब जो इसका डिफॉर्मेशन होगा उसको हम अगर फ्रंट व्यू देखें, ऐसा ऐसा था फोर्स ऐसे और ऐसे लगाया इन द प्लेन ऑफ दिस सरफेस, अब ये डिफॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगर नीचे वाला हम पोर्शन को जमीन में फिक्स कर दें दोनों तरफ खूंटा के बीच में हम उसको फिक्स कर दें, हिल नहीं सकता है, अब ऊपर वाले सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, देखिए ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये लेंथ के अलोंग डिफॉर्म होगा, वो पढ़ाई हम लोग कर चुके, अगर हम अलोंग द सरफेस फोर्स लगा के डिफॉर्म करें तो इस तरह से ये डिफॉर्म होगा, ये कोना इस कोना के रिस्पेक्ट में कुछ घसक जाएगा, इस एंगल को हम थीटा कहेंगे, तो हम मेजर कर सकते हैं थीटा के वैल्यू को कि कितना से डिफॉर्म हुआ घसका, इस डिस्टेंस को हम अगर मेजर कर लें एस और ये हाइट हम जानते हैं एल, तो दिस बाय दिस को हम डिफाइन कर रहे हैं एज शियर स्ट्रेन,
और फोर्स डिवाइडेड बाय जो सरफेस पे वो फोर्स एक्ट किया है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं एज शियर स्ट्रेस। एक मटेरियल है, हम इसको डिफॉर्म कर करके स्ट्रेन करके देखना चाहते हैं कि कितना अंदर में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इस केस में भी मॉलिक्यूल सब एक रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगता है, ओरिजिनल शेप में आने का प्रयास करता है। तो हम दो तरह से देखें कि आपको डिफाइन कर सकते हैं। एक क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स लगा के डिफॉर्म करें, उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं, जो स्ट्रेन होगा उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। और ऐसे अगर डिफॉर्म करते हैं तो हम शब्द बदल दिए हैं, अब शियर स्ट्रेस बोलेंगे, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। इन दोनों के में भी अगर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम वैसा ही रिजल्ट पाते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहां पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। कोई एक सिंबल जैसे वहां वाई सिंबल से डिनोट किए थे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले थे, उसी तरह से हम एक शब्द बोल रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, न पॉइसन्स रेशियो है और ना ही मॉड्यूलस रिजिडिटी है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बता के और इतना ही पे बात समाप्त कर रहे हैं। एक जानकारी होना चाहिए कि हम किसी भी सॉलिड को अलोंग दी लेंथ पकड़ के खींचे और पचकाएं तो वो कितना रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को, उसका मेजर है वाई। जितना लार्ज वाई उतना रेजिस्ट करेगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन को, और अगर हम सरफेस के अलोंग फोर्स लगा के टेंजेंशियली उसको डिफॉर्म करने का प्रयास करें तब जो वो रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल सब क्रिएट करता है इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, उसका मेजर है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जितना ज्यादा कहेंगे कि ईटा का वैल्यू है उतना रिजिड है वो, उतना ज्यादा उसको ऐसा ऐसी डिफॉर्म करना कठिन मानेंगे। लिक्विड में भी इलास्टिसिटी होता है, यानी हम एक कंटेनर ले लें और इसमें कुछ लिक्विड है, मैटर इन लिक्विड स्टेट, ये भी मॉलिक्यूल्स का बना है, इनको भी अगर हम स्क्वीज करने का प्रयास करें, इसके ऊपर एक पिस्टन रख देते हैं और उसके ऊपर हम वजन रख सकते हैं, वजन रखेंगे तो पिस्टन थोड़ा नीचे और नीचे से ये मॉलिक्यूल सब स्प्रिंग्स हैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और इस वजन को और पिस्टन के वजन को बैलेंस करता है। ये जो फोर्स लगाएगा डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पर ये फोर्स स्प्रेड करके लगता है, सारा मॉलिक्यूल सब स्प्रिंग्स सब छोटा छोटा स्प्रिंग्स लगा रहा है, तो हम लोग डिफाइन करते इक्वल प्रेशर F डिवाइडेड बाई A, इतना कहते हैं कि प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड इस पिस्टन के सरफेस पे। अगर पहले से लिक्विड का वॉल्यूम V है और इस समय लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था पिस्टन पे वो P है, मान लीजिए प्रेशर वॉज P, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई लिक्विड V, अगर हम इस पे वजन बढ़ा दिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि अभी फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा इसको एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस करने के लिए, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ के बदल के हो जाएगा P प्लस डेल्टा P, अब वॉल्यूम भी बदल के हो जाएगा V प्लस डेल्टा V, ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा और ये पॉजिटिव, यानी जब वॉल्यूम को कम करेंगे हम स्क्वीज करके तो प्रेशर बढ़ा देगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स। सो वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज आर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक घटेगा तभी दूसरा बढ़ेगा, जब आप वॉल्यूम को कम कीजिएगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। इन दोनों में भी एक रिलेशन है, एक क्वांटिटी यहां हम डिफाइन करें स्ट्रेन, लिक्विड में कितना स्ट्रेन डेवलप किया गया है तो फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम को स्ट्रेन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे वहां डेल्टा एल बाई एल था, कितना प्रतिशत वॉल्यूम में चेंज हुआ है, 0.01 प्रतिशत का चेंज, मतलब 1/10⁴ डेल्टा वी बाई वी बराबर इतना, यानी वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है
इतना टाइम्स वी माइनस लिख रहे हैं, अगर वॉल्यूम स्क्वीज किया गया है तो वॉल्यूम घट गया होगा इतना। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस 1/10^4 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम। बहुत थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल सब निकट निकट है, उनके बीच में जगह ही नहीं होता है। मैटर जब सॉलिड स्टेट में होता है या लिक्विड स्टेट में, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत ही कम होता है, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जगह ही नहीं होता है, आप उसको स्क्वीज कहां कीजिएगा। यही मैटर जब गैशियस स्टेट में हो, कंटेनर में रख लीजिए, ये मैटर गैशियस स्टेट में है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, उनके बीच में काफी स्पेस है, अब इसको स्क्वीज करना आसान है। यहां भी हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं लिक्विड का, इलास्टिसिटी, वही मेजरमेंट्स करते हैं, स्ट्रेस वही प्रेशर में जो चेंज होगा अंदर में, फोर्स पहले कुछ लगा रहा था लिक्विड, अब कुछ और अधिक लगाएगा, तो जितना डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो प्रेशर में जो बदलाव होगा वही कहेंगे कि लिक्विड के अंदर में उत्पन्न हुआ है स्ट्रेस, और लिक्विड के वॉल्यूम में जो फ्रैक्शनल चेंज होगा उसको कहेंगे स्ट्रेन। कुछ एक नाम दे देते हैं, जैसे वहां लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, यहां कुछ वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, कोई एक नाम। और दिस बाय दिस का जो रेशियो है उसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए ये कांस्टेंट आता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आता है, वो उस लिक्विड का कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसको कैपिटल बी सिंबल से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यहां भी वही डेफिनेशन। अगर हम पानी का बी बता दें एक्सपेरिमेंट करके 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर का है, लार्ज नंबर, जितना बी का वैल्यू लार्ज होता है समझिए उतना ज्यादा कठिन है उस लिक्विड को डिफॉर्म करना, उसको स्क्वीज करना, उसके वॉल्यूम में थोड़ा भी चेंज करने के लिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज का जरूरत पड़ता है, जो कि अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी लिक्विड का अगर हम बताते हैं तो आपसे हम कहेंगे कि बताइए कि उसके वॉल्यूम को हम 0.001% से चेंज करना चाहते हैं, वेरी स्मॉल चेंज, माइनस इंडिकेट्स कि हम स्क्वीज करना चाहते हैं, तो बताइए कि कितना हमको एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करना होगा। पहले से कुछ वजन होगा, कुछ और वजन अगर हम W एक्स्ट्रा रख दें, आई क्रॉस सेक्शन एरिया A है, समझ जाइए W बाई A एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो गया होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर हमको लगाना होगा। ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई V बाई दी स्ट्रेन, एक माइनस साइन है ताकि अब ये आंसर प्लस आ जाएगा, ये है 10^-3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 10^-5 है, मल्टीप्लाइड बाई 10^11, तो 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर में चेंज लाना होगा। यानी अगर हम पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया बता दें A, तो कितना और वजन ऊपर से डालना होगा, वो W बाई A इक्वल टू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर आप A से मल्टीप्लाई कर दें मीटर स्क्वायर में तो न्यूटन में आंसर आ जाएगा, और ये वजन हुआ, और अगर उसको हम जी से डिवाइड कर दें तो उसका मास मालूम हो जाएगा कि कितना मास हमको एक्स्ट्रा रखना होगा। ये माइनस साइन इसलिए डाले हैं ताकि ये क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, क्योंकि हमेशा ये दोनों अपोजिट साइन का होगा, प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा, आप प्रेशर रिलीज कीजिएगा कम कीजिएगा तो वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगेगा, तो माइनस साइन इसलिए डाला गया है ताकि बी जिस क्वांटिटी को भी कह रहे हैं वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हम टेबल बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हर लिक्विड्स के साथ, टेबल बनाते हैं बी वाटर, बी मस्टर्ड वायल, बी केरोसिन वायल, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स। चलिए आज के लिए समाप्त।